सवाल है कौमी इतिहाद के बारे में, मौलाना हाली का क्या ख्याल था। तो हमने पढ़ा है, अब इतिहाद के बारे में, कौमी इतिहाद के बारे में हम आपसे पूछना चाहते हैं, इसका क्या जवाब है? आप तो जवाब देंगे। मेरे तासुब इनमें नाम कौन था, बिल्कुल तासुब से बरी थी। हर एक से यकसान खुलूस और मोहब्बत से पेश आते थे। हाली जो थे, मौलाना हाली, वो हर एक से मोहब्बत और उसके अंदर खुलूस होता था, पेश आते थे। और साथ साथ हिंदू मुस्लिम इतिहाद के बड़े ही शेदाई थे। ये चाहते थे कि मुसलमान और हिंदू आपस में इत्तेहाद रखें। अगर कभी कभार हिंदू मुस्लिम नज़ा का कोई वाकया सुनते थे तो इन्हें बहुत ही रंज होता था। तकरीर व तहरीर, कमाल के आदमी थे। मैं तो क्या नजी और बेतकल्लफी की गुफ्तगू मैं भी जबान से कोई ऐसा कलमा या लफ्ज कलमा सुनने नहीं आता, सुनने में नहीं आया जो किसी फिरके की फिरके चाहे हिंदू हो या मुस्लिम फिरके की दिल आजारी ने तकलीफ दिल आजारी का बाइस हो। अगर कोई ऐसी बात करता तो उसको तो वो उसको बुरा मानते और कहने वाले को
नसीहत करती है, नसीहत करती है, यानी बाज आ जाओ। हकीकत ये है कि बेतासुबी इन्हीं लोगों के हिस्सा में आती है, पाया जाता है, हिस्सा में पाया जाता है जिनकी तबीयत में इंसाफ मौजूद हो, इंसाफ मौजूद हो। गोया कि ये हाली का कौमी इत्तेहाद के बारे में जानकारी थी। बाकी वसलाम।